स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन पर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट क्षेत्र के चौड़ा गांव से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां द्वाराहाट बाजार से घर वापस आ रहे युवक की कार खाई में गिरने से दर्दनाक मृत्यु हो गई। बता दें कि कार चालक दिनेश सिंह, पुत्र राजेंद्र सिंह, ग्राम चौड़ा के साथ कार में चार अन्य लोग भी सवार थे। कार में सवार दीपक सिंह निवासी ग्राम धमेड़ा, प्रकाश सिंह भाकुनी निवासी सीलंग, गोपाल सिंह एवं नंदन सिंह निवासी चौड़ा गांव आदि शामिल थे। बता दें कि यह हादसा तब हुआ जब चालक गिरीश सिंह उम्र 27 वर्ष, पुत्र राजेश सिंह ग्राम चौड़ा द्वाराहाट बाजार से वापस घर की ओर आ रहा था। तभी नौपाड़ा रोड पर तीखे मोड़ पर उसकी कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा समाई, जिससे कार में बैठे अन्य चार लोग भी घायल हो गए। बताते चलें कि चालक गिरीश सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ग्रामीणों की मदद से अन्य घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां दीपक सिंह के सर पर गहरी चोट लगने के कारण उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान दीपक सिंह ने भी दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना से दोनों युवकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है तथा गांव में मातम पसरा हुआ है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।